वेलकम एंड नमस्ते। टुडे वीडियो टॉपिक इज अपोजिट्स एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर, अर्थात समानांतर चतुर्भुज को विपरीत कोणहरू एक आपस में बराबर हुन्छन्। नाउ ऑब्जर्व द दिस फिगर, यो चित्र अवलोकन करूँ। इसमें रेड पार्ट भनेको एंगल ए र येलो पार्ट भनेको एंगल बी हो। इसलिए मूव गराउँदा यो एंगलले एंगल सी में फिट भएको छ, एंगल बी चाहिँ एंगल डी में फिट भएको छ। हियर एंगल ए इज एक्युरेटली फिट विथ एंगल सी एंड एंगल बी इज एक्युरेटली फिट विथ एंगल डी। यसबाट के प्रमाणित हुन्छ भने चतुर्भुजको विपरीत कोणहरू एक आपस में बराबरी हुन्छ, किनभने यसमा एंगल ए एंगल सी में एक्युरेट फिट भएको छ। यो एंगल ए र एंगल सी अपोजिट एंगल हो। हियर एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल्स एंड एंगल बी एंड एंगल डी आर अपोजिट एंगल्स। एंगल बी इज एक्युरेटली फिट इन एंगल डी। अब यसलाई प्रोट्रैक्टरले नापेर पनि हेरौं। अब यसरी नापेर हेर्दा यो चाहिँ 110 डिग्री रहेको छ। यो एंगल सी 110 छ भने यो एंगल ए पनि कति हुनु पर्यो, 100 ए नै हुनु पर्यो। यदि त्यस्तो हुँदैन भने त यो एंगल ए एंगल सी मा एक्युरेट फिट हुँदैन। यो एंगल फिट भएको कारणले नै हामीले के हेर्न सक्छौँ भने एंगल सी पनि जति डिग्री छ एंगल ए त्यति नै छ, द्याट मिन 110 डिग्री। अब यसलाई पनि मेजर गरौँ। अब यो तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, इक्वल गराउँदा यो मेजर गराउँदा इक्वल गराउँदा भन्दा नि मेजर गराउँदा यो प्रोट्रैक्टरको लास्ट लाइन र यो हामीले नाप्नु पर्ने एंगलको लाइनलाई साइडलाई चाहिँ ओभरल्यापिङ गराउनु पर्छ भने यो 90 डिग्रीको जुन सिधा भाग छ त्यसलाई नाप्नु पर्ने एंगलको भर्टेक्स चाहिँ एक्युरेट फिट गराउनु पर्छ। त्यसले गर्दा अब यो एंगलले कति डिग्री देखाएको छ, 70 डिग्री देखाएको छ। ओके, अब प्रुफतिर लागौँ। नाउ टु प्रुफ, गोइङ टु प्रुफ स्टेप वान। स्टेप वान, FIGUR फिगर, फिगर इन्ट्रोडक्सन, DROWING ड्रइंग द टू फिगर्स हैविंग डिफरेंट शेप एंड साइज। पहले स्टेप भनेको चाहिँ फिगर इंट्रोडक्शन हो। अब फरक फरक नाप र आकार को चाहिँ दुईवटा फिगर्स ड्र गरौँ। के को फिगर? पैरेललोग्राम को फिगर। अब लाइन ड्र गरौँ। त्यस्तै सेकेन्ड फिगर पनि ड्र गरौँ।
यसरी फिगर ड्र गरौँ। ओके, अब नेमिङ गरौँ यसलाई। नेमिङ द गिवन फिगर, दिस वान इज फिगर वान एन्ड भर्टेक्स ए एन्ड दिस भर्टेक्स बी एन्ड दिस वान सी दिस वान डी। सिमिलरली दिस वान इज ए दिस वान इज बी दिस वान इज सी एन्ड दिस वान इज डी। स्टेप टू, दैट इज टू प्रूफ, टू प्रूफ दैट इज प्रमाणित गर्नुपर्ने, दैट इज अपोजिट्स इन दिस फिगर अपोजिट्स एंगल ए एंड सी एंड बी एंड डी, दैट इज एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। हियर एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी। ओके, एंड स्टेप थ्री, स्टेप थ्री दैट इज टेबल। Now, I am going to construct a table. Figure number, angle A, angle B, figure एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल ए एंगल सी रीजल। एंगल ए फिगर एंगल ए एंगल बी एंगल बी एंगल सी। And this one is result. Okay, table is ready now. Okay, table is ready right here. Figure number, and this one is 1, and this one is 2, this one is figure 2, and right here, angle A, right here. Angle C, right here, angle B, and right here, angle D, and here, results. Okay, now we need to measure all of the angle of figure 1 and figure 2. Now, we have already measure the angle. Once again, I am going to repeat. अब इस फिगरमा एंगल ए र एंगल सी अपोजिट एंगल हो, एंगल बी र एंगल डी अपोजिट एंगल हो। अघि नै हामीले हेरिसक्यौँ कि एंगल ए र एंगल सी इक्वल छ। अघि नै हामीले मेजर गर्दा एंगल सी भनेको कति थियो, 100,
10 थियो। त्यस्तै अब यो एंगल सी 110 हो भने ए पनि कति हो 110 हो हामीले यसबाट नि थाहा पाउन सक्छौं किनकि यो एंगल ए एंगल सी मा एक्युरेट फिट छ। त्यस्तै यो एंगल सी कति भयो 110 एंगल बी हेरौं त कति भयो 70 त्यसो भने यो एंगल बी 70 हो भने एंगल सी पनि कति हो सरी एंगल डी पनि कति हो 70 हो। ल अब हामीले मेजर लेखौं एंगल ए कति डिग्री 110 डिग्री मेजर अफ एंगल ए इज 110 एंड मेजर अफ एंगल सी इज 70 सॉरी 110 एंड मेजर अफ एंगल बी 70 डिग्री एंड मेजर अफ एंगल डी अल्सो 70 डिग्री एंड अगेन वी नीड टू मेजर द ऑल अपोजिट एंगल्स अफ फिगर 2। अब यो फिगर 2 लाई पनि फिगर 1 लाई जस्तै गरेर प्रोट्रैक्टरले नापेर एंगल ए एंगल सी एंगल बी र एंगल डी लाई भरौं। हामीले यसबाट के प्रूफ गर्न सक्यौं भने अपोजिट्स एंगल्स अफ प्यारालेलोग्राम आर इक्वल। अब यसमा फिगर 2 मा के भयो भने अपोजिट्स एंगल इक्वल भयो। अब यहाँ रिजल्ट लेखौं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल्स टू एंगल डी। अब यसपछिको स्टेप भनेको चाहिँ स्टेप 4 दैट इज कंक्लूजन। द कंक्लूजन इज फ्रॉम द एबोव एक्सपेरिमेंट वी कंक्लूड दैट अपोजिट ए एन जी एलियस एंगल्स अफ पैरालेलोग्राम आर इक्वल टू ईच अदर। Hence, prove. I think you can prove this statement like as this. And I hope you all subscribe my channel where this video is uploaded. And I humbly thanks very much.